हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका हम डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। क्यों डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं? क्योंकि इसका हीटर का जो ये जो बटन जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ से घुमा रहा हूँ तो घूम तो रहा है बटन यहाँ से, बट इसकी जो केबल अंदर रहती है ना, वो केबल फ्लैप को नहीं घुमा पा रहा है। यहाँ से तो घूम रहा है, नहीं घुमा पा रहा है, इसके वजह से अंदर केबल निकल चुका है। तो जरा मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ है उधर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली है हीटर का केबल जो कि यहाँ बैठता है इस ये लॉक में आकर के ये पोर्शन में। तो ये वाली जो फ्लैप जो है ना, जाम हो चुका है। मैं इसको जरा निकाल देता हूँ। ये वाली फ्लैप इतना ही घूम रहा है जो कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, ये इतना ही घूम रहा है। अंदर से फ्लैप जाम हो चुका है। इसी यही रीजन की वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अंदर कि हम क्यों डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं, आपको दिखा दिया, वो फ्लैप जो है ना प्रॉपर घूम नहीं पा रहा है। यानी अंदर डैशबोर्ड में से, यानी वेंट में से, चाहे तो कुछ तो गया है या फिर कुछ जाकर के वहां अटक गया है। इसकी वजह से वो फ्लैप को पूरा सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ से केबल घुमाते हैं तो वहां से केबल निकल जाता है। तो चलो फिर हम इसका डैशबोर्ड खोल लेते हैं। डैशबोर्ड खोल के फिर आपको, तो कैसे खोलते हैं ये डैशबोर्ड ये गाड़ी का आपको मालूम ही है, पर बीच बीच में हम थोड़ा आपको दिखा देंगे। तो चलो फिर हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज। डैशबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले हमारे को ये कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। ये जो देख पा रहे हैं, ये कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। ये वाली जो कवर है ये खोलना पड़ेगा, और ये टूल बॉक्स खोलना पड़ेगा, और साइड का पैनल खोलना पड़ेगा, ये वाली पैनल खोलना पड़ेगा। तो सब हम ये सब खोल के आपको फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सब खोल दिया है, सब पैनल वगैरह सब खोल दिया है। और देखो, यहाँ एक सॉकेट रहेगी, ये खोलना पड़ेगा, और ये 12 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये साइड का दोनों 12 नंबर, उसके बाद ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा एक, और ये रही, ये सॉकेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं निकालनी पड़ेगी आपको, ये वाली माइनस से जरा कटाना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, मैं सब सॉकेट निकाल देता हूँ। उसके बाद स्टेयरिंग का ये खोलना पड़ेगा, देख पा रहे हैं, और ये दोनों केबल निकालना पड़ेगा, हीटर का और डायरेक्शन का। उसके बाद ये वाली पट्टी खोलनी पड़ेगी, ये दिया हुआ रहता है 12 नंबर। उसके बाद इस साइड का भी स्विच खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये ब्लोअर की सॉकेट, ब्लोअर की, कूलिंग कॉइल सेंसर की, रेजिस्टेंस की। उसके बाद ये आउटसाइड की, आउटसाइड फ्लैप मोटर का। उसके बाद ये अर्थिंग का, मैं खोला नहीं हूँ, ये खोलना पड़ेगा, इस साइड को खोल दिया हूँ। और उसके बाद ये रही दोनों 12 नंबर, खोलना पड़ेगा यहाँ का। और सब पैनल वगैरह निकल चुका है। अब मेरे को सिर्फ डैशबोर्ड पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पूरी पलटी मार चुके हैं हम। और ये रही कंट्रोल यूनिट अपना, जो कि इसका मसला क्या था, ये वाली जो फ्लैप है ना, जो पूरा लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा है, इतना ही हो रहा है जो कि फुल होना मांगता है। इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोले हैं। तो ये सब खोल लेते हैं हम। बाहर से जो नट दिया है, 5-6 नट दिया रहेगा, वो सब हम खोल लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाऊंगा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल यूनिट बाहर निकल के। चलो फिर आगे देखते हैं। ताकि आप देख पा रहे हैं मैं कॉल पैनल खोल दिया हूँ, और हमारे को जो खोलना पड़ेगा ये वाली 10 नंबर, और ये वाली 10 नंबर, और एक ये जो दिख रही है ये वाली 10 नंबर नट खोलना पड़ेगा। और एक इधर दिया है ये वाली, इधर है, अंदर है इसके फिल्टर के। और एक ये रही सामने जो दिख रहा है, एक्सपेंशन वाल के पास का कूलिंग कॉइल का जॉइन और हीटर पाइप, ये दोनों खोल के फिर हम कंट्रोल यूनिट बाहर निकालेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको बाहर से खोल चुके हैं,
कंट्रोल यूनिट का बाहर से जितना भी हीटर का पाइप, कूलिंग एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट सब खोल चुके हैं, पांचों नट खोल चुके हैं। अब ये इजीली बाहर आ जाएगा अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बाहर आ चुका। यहाँ अटक रहा है हीटर कॉइल, देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है। चलो अब हम इसको बाहर लेते हैं, फिर बाहर लेकर के खोलते हैं, खोल के देखते हैं ये वाला फ्लैप प्रॉपर तरीके से घूम क्यों नहीं रहा है। चलो फिर बाहर ले लेते हैं हम इसको। आप देख पा रहे हैं मैं इसको खोल चुका हूँ, इसका लॉक भी सब निकाल चुका हूँ। और सबसे पहले हम इसके कूलिंग कॉइल की जो नीचे ट्रे दिया है वही वाला खोल लेते हैं, ताकि कूलिंग कॉइल निकाल के हमको समझ में आ जाएगा कि क्या जाके अटक रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉपर खुल नहीं रहे। तो हम इसको खोलते हैं, लॉक है इसका, सभी लॉक निकाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही इसका कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल भी निकाल देते हैं, निकल चुका। अब इसको हम घुमा के देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो यहाँ तक आ रहा है अभी, मतलब अटक क्या रहा था, ये जो कूलिंग कॉइल की जो सेंसर है ना, ये वाली फ्लैप में, ये वाली पट्टी में जाके ये अटक रहा था हीटर का बटन, हीटर का फ्लैप, ये वाली फ्लैप, इसको घूम नहीं रहा था अपना। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बस यही आके अटक रहा था, बाकी और कुछ नहीं। चलो पर हम इसको फिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं घुमा करके घूमता है क्या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये प्रॉपर रोटेशन हो रहा है, जो कि पहले इतना ही घूम रहा था, बस इतना ही। अंदर जो कूलिंग कॉइल की जो पट्टी रहती है ना, सेंसर में जो लगा हुआ रहता है, कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगी हुई रहती है, उसकी जो क्लिप जो बाहर रहती है इतना सा, वो जाकर के ये वाली फ्लैप में अटक रहा था, इसकी वजह से ये पूरा घूम नहीं पा रहा था। तो अपना काम प्रॉपर हो चुका, अभी घूम रहा है, लुब्रिकेशन हो रहा है। तो चलो अब हम इसको फिटिंग करके गाड़ी में डाल देते हैं। हम कंट्रोल यूनिट डाल चुके हैं, अब हम इसको बाहर से सब फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं हम सब फिट कर चुके हैं, इसका बाहर भी सब फिट कर चुके हैं, अब हम इसके अंदर डैशबोर्ड डाल देते हैं, फिर डैशबोर्ड डाल के फिर आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फाइनली इसको डैशबोर्ड अंदर डाल दिया है, बस अब फिटिंग करना बाकी रह गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ मैं आपको फिटिंग करके फिर आगे दिखाता हूँ। चलो हम इसका फिटिंग करने लग जाते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सब इसका फिट कर चुका है, डैशबोर्ड की सब जो भी खोला था हमने सब फिटिंग कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंसोल बॉक्स से लेकर के फ्यूज बॉक्स का जो भी है सब हमने फिटिंग कर चुका है। तो चलो अब हम इसको वैक्यूम वगैरह गैस वगैरह मार के फिर हम गाड़ी चालू करके फिर आपको कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाएंगे, हीटिंग टेम्परेचर दिखाएंगे कि काम कर रहा है क्या नहीं। तो गैस वगैरह तो आपको मालूम है कैसे फिलिंग करता हूँ मैं और वैक्यूम कैसे लगाता हूँ, तो हम वो सब करके फिर आपको गाड़ी चालू करके अंदर कूलिंग और हीटिंग टेम्परेचर का टेम्परेचर बताएंगे। चलो फिर आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फाइनली सब फिट करके गैस वगैरह मार के पूरा गाड़ी रेडी हो चुकी है और गाड़ी चालू है अभी, आप देख पा रहे हैं। और हमने एसी भी चालू रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटसाइड एयर भी बंद है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 8.9 और भी नीचे आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.5 8.4। थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, देखता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6.3 पे आ चुका है कूलिंग कॉइल, कूलिंग टेम्परेचर 6.3 हो गया कंप्रेसर। तो ये एयर डायरेक्शन फ्लैप भी प्रॉपर चल रहा है अपना, और ये एसी स्विच भी प्रॉपर चल रहा है, आउटसाइड एयर भी प्रॉपर चल रहा है, ब्लोअर स्विच भी प्रॉपर चल रहा है। अब हम इसका हीटर हाई करते हैं और हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं कितना जा रहा है। थर्मामीटर ऑफ हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, और थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूं और देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर कहां तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 52-53 तक पहुंच रहा है, 54 तक यानी और भी ऊपर जाएगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले ये बटन जो यहाँ से घुमाते थे तो हीटिंग टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, क्यों नहीं बढ़ रहा था, जो मैंने आपको खोल के दिखाया कि हीटर का जो फ्लैप है कूलिंग कॉइल के सेंसर में, सेंसर के क्लिप में जाके अटक रहा था। क्यों अटक रहा था, क्योंकि उसको किसी ने खोला था और खोल के गलत तरीके से फिटिंग किया था, इसके वजह से हीटर का फ्लैप
प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पा रहा था, इस वजह से यहाँ से जब हम बटन घुमा रहे थे तो केबल जो है ना यहाँ से जो फ्लैप में केबल जो जाती है ना वो केबल अपनी जगह छोड़ दिया था क्योंकि अटक रहा था इसके वजह से। तो अपना काम अभी प्रॉपर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।